मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। यूनिट वन में हमें जो हैप्पी चाइल्ड था उसकी जो पोयम है वो हमने समझ ली थी। आज हम यूनिट वन के हैप्पी चाइल्ड की जो वर्कबुक है उसमें एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। इसमें है लूक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे पोयम के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको देखना है, सुनना है और रिपीट करना है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाउस, हेड, लिटल, हैप्पी, चाइल्ड, लाफ, प्ले, डे, लॉन्ग, क्राई, ट्री, ग्रीन, शेड, सन, अंडर एंड सी। ये जो भी स्पेलिंग है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर हमें ऑप्शन में से लिखने हैं। जो भी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो उसको हमें सामने जो बॉक्स है उसमें फिलअप करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द चाइल्ड्स हाउस। जो पोयम में जो घर था उसका कलर कौन सा था, तो उसका कलर था रेड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रेड। सेकेंड वन है, द चाइल्ड इज अ ब्लैंक चाइल्ड। तो जो पोयम में चाइल्ड था वो कैसा था, हैप्पी, क्वाइट, सैड और एंग्री। तो उसका आंसर होगा हैप्पी। द चाइल्ड इज अ हैप्पी चाइल्ड, वो जो बच्चा था वो खुशनुमा था। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द चाइल्ड डू द होल डे। वो बच्चा पूरे दिन क्या करता रहता था, तो वो क्या करता था, लाफ एंड प्ले। वो बच्चा पूरे दिन खेलता रहता था और हंसता रहता था। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ट्री। तो जनरली आपको पता ही है ट्री का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीन। फाइव है, वेयर डज द चाइल्ड सीट। वो बच्चा कहाँ पे बैठता था, तो हमारा आंसर है अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठता था। सिक्स वन है, द ट्री गिव सेट फ्रॉम द ब्रैकेट। ट्री हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, तो हमारा आंसर है सन। लूक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमें सुनना है और रिपीट करना है, और आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बैड हैड सैड, बैट लेड रेड, बीक डिक पिग, कोट हॉट पॉट, बर्न फर्न सन। यहाँ पे जो भी स्पेलिंग है उसका साउंड सेम आता है। यहाँ पे कोई आपको सर्कल द ओड वर्ड्स इन ईच सेट। आई रीड फर्स्ट वन, फेड रेड मैड और बैड। यहाँ में आप देख सकते हो कि जो मैंने मैड पे सर्कल किया है वो जो बाकी सारे स्पेलिंग है उससे कुछ अलग है, इसलिए वो ऑड वर्ड है, इसलिए मैंने उस पे सर्कल किया है। हम सेकंड वन देखते हैं, पुट कॉट हॉट पॉट। इस सारे वर्ड्स में जो पुट है वो ऑड वर्ड है, इसलिए मैंने उस पे सर्कल किया है। थर्ड वन है, बैड रेड सैड लेड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सारे वर्ड है उसमें मिडल वर्ड ए है और जो रेड है उसमें मिडल वर्ड ई है, इसलिए वो सब वर्ड से अलग है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ऑड वर्ड, और हमें ऑड वर्ड पे ही सर्कल करना है। फोर्थ वन है, पिक डिक फिग और हग। ये सारे वर्ड्स में मिडल वर्ड आई है और जो हग है उसमें मिडल वर्ड चेंज है, इसलिए हम ये वर्ड को ऑड वर्ड बोलेंगे, और ये ऑड वर्ड है इसलिए मैंने उस पर सर्कल किया है। फिफ्थ वन है, फॉन बीन बर्न और गन। यहाँ पे जो बीन है वो ऑड वर्ड है, इसलिए मैंने इस पर सर्कल किया है। हमारा एक्सरसाइज नंबर टू, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। फिर से हमें जो भी ब्लैंक्स दी हुई है उसमें राइट आंसर ऑप्शन में से चूज करके लिखने हैं। द ब्लैंक साइंस इन द स्काई। स्काई में कौन साइन करता है, हमारा ऑप्शन है ए सन, बी बर्न, सी फॉन और डी गन। तो स्काई में सन साइन करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सन, जो मैंने बॉक्स में बॉक्स करके हुए दिखाया हुआ है। हमारा सेकंड वन है, आई हैव अ ब्लैंक पेन। तो मेरे पास
पेन है पर कैसी है? तो ऑप्शन है एल ई डी लेड, फैट, सी रेड और डी बैड। तो आई हैव अ रेड पेन, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रेड। फिर है आगे द ब्लैंक गिव्स मी शेड, हमें शेड कौन देता है? ए ट्री, बी ट्री, सी हाउस और डी माउस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए ट्री। तो द ट्री गिव्स मी अ शेड, हमें ट्री शेड देता है और सन से प्रोटेक्ट करता है। आई लिव इन अ ब्लैंक हाउस, मैं कैसे हाउस में रहता हूँ? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिग। आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं बड़े से घर में रहता हूँ। हमारा लास्ट वन है द कैट इज द अंडर द ब्लैंक, तो कैट कहाँ पे है? तो कोई थिंक के नीचे होगी, तो हम क्या बोलेंगे? द कैट इज अंडर द कोट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोट। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, लुक लिसन एंड रिपीट। जो कलर द पिक्चर एंड सर्कल द नेम्स द कलर्स, यहाँ पे जो सन की पिक्चर दी गई है तो हमें सोचना है सन कौन से कलर का होगा। तो सन येलो कलर का होता है, तो जो भी कलर का हो उस कलर पे हमें सर्कल करना है, इसलिए मैंने येलो पे सर्कल किया है। अब सेकंड है सेब, जो एप्पल होता है एप्पल कौन से कलर का होता है? तो रेड कलर का होता है, इसलिए मैंने रेड पे सर्कल किया हुआ है। हमारा अगला पिक्चर है क्रो का, जो क्रो है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए मैंने ब्लैक पे सर्कल किया हुआ है। अब है लीफ, तो जो ट्री होता है उसका लीफ ऑलवेज ग्रीन कलर का होता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर पे सर्कल किया हुआ है। अब नेक्स्ट पिक्चर है पोर्ट, तो पोर्ट कौन से कलर का होता है? पोर्ट ब्राउन कलर का होता है, इसलिए मैंने ब्राउन पे सर्कल किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट पिक्चर है ऑरेंज, ऑरेंज का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज, इसलिए मैंने ऑरेंज पे सर्कल किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट पिक्चर है लोटस का, लोटस का कलर पिंक होता है, इसलिए हम पिंक पे सर्कल करेंगे। अब है डक, तो डक कौन से कलर का होता है? वाइट, तो मैंने वाइट पे सर्कल किया है। नेक्स्ट है कलर द बॉक्स विद द राइट कलर, यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है मैंने उसमें कलर के नेम लिखे हैं, पर आपको उस बॉक्स को जो भी कलर हो उससे फिल करना है। हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द चाइल्ड्स हाउस, तो जो बच्चे का हाउस था उसका कलर कौन सा था? तो रेड कलर था। तो आपको ये बॉक्स में मैंने रेड लिखा है, पर आपको रेड कलर उसमें फिल करना है। हमारा सेकंड वन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन, सन कलर क्या होता है? येलो, तो ये बॉक्स में आप येलो कलर फिल करेंगे। थर्ड वन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ट्री, तो ट्री का कलर कौन सा होता है? ग्रीन, तो आप ग्रीन कलर फिल करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, तो आपको पता ही है स्काई का कलर ब्लू होता है, तो आप इस बॉक्स में ब्लू कलर फिल करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस, मैंने ब्राउन लिखा है, पर जनरल आपका हाउस जिस भी कलर का हो आप उस कलर इस बॉक्स में फिल करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर स्कूल, तो मैंने तो ब्लू कलर लिखा है, पर आपकी स्कूल का कलर हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, हेयर का कलर जनरली ब्लैक ही होता है, इसलिए आप इस बॉक्स में ब्लैक कलर फिल करोगे। लास्ट वन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर टीथ, टीथ का कलर कौन सा होता है? वाइट, तो हम इस बॉक्स में वाइट कलर फिल करेंगे। अब आगे है मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स, यहाँ पे फोर पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को हमें वर्ड्स से मैच करना है। मैं आपको ब्रश से समझाती दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ये है वो क्या है? फ्लैट का पिक्चर है। जो ये वाला पिक्चर है वो बंगलों का पिक्चर है। जो ये वाला पिक्चर है वो इग्लू है। और जो ये दी हुई है वो हट है, इसलिए मैंने बंगलों के पिक्चर को वर्ड के साथ मैच किया है। जो इग्लू है उसको इसके साथ मैच किया हुआ है। आपको इसमें से देख के अपनी जो वर्कबुक है उसमें आपको मैच करना है। स्टूडेंट्स लेट्स ड्रॉ योर हाउस एंड कलर इट,
आपको जो स्पेस दी हुई है आपकी वर्कबुक में, आपको एक हाउस ड्रॉ करना है और उसमें कलर करने हैं। मैंने एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है आपको, बस वैसे ही पिक्चर आपको अपनी वर्कबुक में ड्रॉ करनी है और उसमें कलर फिल करना है। फिर है, पेस्ट द फोटोग्राफ ऑफ द पीपल हु लिव्स इन योर हाउस दैट मीन्स। यहाँ पे आपको फैमिली ट्री दी गई हुई है, फैमिली ट्री। उसमें मैंने इसलिए कुछ फिलअप नहीं किया है क्योंकि सब आपके फैमिली अकॉर्डिंग आपको उसमें नाम लिखना है, पिक्स उस पे जॉइंट करनी है। तो आपको मैं समझा देती हूँ कि कैसे करना है। तो माय फैमिली, तो यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको पिक्चर अटैच करना है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसमें आपको जो भी आपके फैमिली वाले थे उसके नाम लिखना है। ओके, माय ग्रैंडफादर लिखा है वहाँ पे ग्रैंडफादर का नेम लिखो, ग्रैंड मदर लिखा है यहाँ पे ग्रैंड मदर का नेम लिखो, माय मदर तो मदर लिखा है वहाँ पे आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है, फादर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है, ब्रदर हो तो ब्रदर का नाम, सिस्टर हो तो सिस्टर का नाम, और लास्ट में जो मी लिखा है तो आपका नाम वहाँ पे लिखना है। मैंने इसको इसलिए खाली छोड़ा है कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग इसको आपको फिलअप करना है। अब आगे है, मैच द पिक्चर विद द वर्ड्स। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और उसको हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। यहाँ पे हैप्पी और सैड, यहाँ पे जो लड़का है वो हैप्पी है और ये लड़की है वो सैड है। आपको दिख रहा है जो ये लड़का है वो हैप्पी है और ये लड़की है वो सैड है, तो इसलिए मैंने इसलिए हैप्पी से हैप्पी लड़के को वर्ड से जॉइंट किया और ये से लड़की को सेड वर्ड से जॉइंट किया। समझ में आ गया आपको? अब हम आगे देखेंगे। आगे है बिग और स्मॉल। यहाँ पे दो बॉल है, वन इज़ अ बिग और नेक्स्ट वन इज़ अ स्मॉल। तो यहाँ पे जो बिग वाला बॉल है मैंने उसे बिग वर्ड के साथ जॉइंट किया है, और वो जो छोटा वाला बॉल है उसमें मैंने स्मॉल वर्ड के साथ जॉइंट किया है। वैसे ही आपको अपनी वर्कबुक में जॉइंट करना है। नेक्स्ट वन है हमारा फैट और थिन। यहाँ पे टू मैन दिए हुए हैं, वन इज़ अ फैट और वन इज़ अ थिन। तो जो फैट मैन है उसे फैट वर्ड के साथ जॉइंट किया है, और जो थिन है उसे थिन के साथ मैंने जॉइंट किया है। यहाँ पे दो पिक्चर है, वन जो चाइल्ड है वो लाफिंग कर रहा है और जो सेकंड वन है वो रो रहा है। तो जो रो रहा है उसको हम क्राई वर्ड के साथ मैच किया है, और जो हंस रहा है उसे हमने लाफ वर्ड के साथ जॉइन मैच किया है। यहाँ पे टू बर्ड्स है, तो वन केज की अंदर है और जो दूसरा है वो केज की बाहर है। तो जो अंदर है उसको हम इन के साथ मैच करेंगे, और जो बाहर है उससे हम आउट के साथ मैच करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ पे फर्स्ट वन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हर्ट। जब आपको कोई हर्ट करेगा तो आप क्या करोगे? हैप्पी यानी कि खुश होगे, बी स्माइल, स्माइल यानी कि स्माइल करोगे, सी लाफ हंसोगे, या डी क्राई कि रोने लगोगे। तो आपको कोई हर्ट करेगा तो ऑब्वियस है आप क्राई करोगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी क्राई। सेकंड वन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इल। जब आप बीमार हो जाओगे तो आपको क्या फील करोगे? तो जब हम बीमार होते हैं तो हम सैड वाली फीलिंग्स आती है, तो हम सैड फील करते हैं, तो हमारा आंसर होगा सैड। थर्ड वन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट एन आइसक्रीम। जब आपको कोई आइसक्रीम दिलाएगा तो आप कैसे फील करोगे? हैप्पी हो जाओगे ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी हैप्पी। फोर्थ वन है, ए एलिफेंट इज अ ब्लैंक एनिमल। एलिफेंट कैसा एनिमल है? एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। फिफ्थ वन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ जॉकर। हम किसी जॉकर को देखेंगे तो हम क्या फील करेंगे या हम क्या करने लगेंगे? तो व्हेन वी सी द जॉकर वी लाफ, क्या करेंगे हम? हंसने लगेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? लाफ। सिक्स्थ वन है, ए कैट इज अ ब्लैंक एनिमल। कैट कैसा एनिमल है? छोटा सा, तो हमारा आंसर होगा स्मॉल। लुक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे जैसे हमने आगे किया वैसे पिक्चर देखना है और जो सेंटेंस है उसको मैच करना है।
यहाँ पे एक गर्ल दी हुई है, तो गर्ल भी है बॉय भी है, तो आई एम अ गर्ल लिखा हुआ है उसे हम गर्ल के साथ मैच करेंगे, आई एम अ बॉय लिखा हुआ है उसको हमें बॉय के साथ मैच करेंगे। फिर सेकंड है ही इज़ अ बॉय, लड़की लड़के को बताकर बोल रही है ही इज़ अ बॉय, ये लड़का है तो हम उसके साथ ज्वाइन करेंगे, और जो ये लड़का है वो लड़की को बता के बोल रहा है कि सी इज़ अ गर्ल तो हम उसको उसके साथ मैच करेंगे। थर्ड वन है ईट इज़ अ कैट और यू आर अ टीचर, जो कैट वाली पिक्चर है उसको हम ईट इज़ अ कैट वाले सेंटेंस से मैच करेंगे, और यू आर अ टीचर तो हमें इस पिक्चर में टीचर दिखाई दे रही है तो उस पिक्चर को हम यू आर अ टीचर सेंटेंस के साथ मैच करेंगे। थर्ड है दैट इज़ योर बेट, तो इस वाले पिक्चर में बेट है तो इसको हम इस सेंटेंस के साथ मैच करेंगे, और दिस इज़ माई बुक तो ये पिक्चर में बुक आपको दिखाई दे रही है तो इस पिक्चर को हम इस वर्ड के साथ जॉइंट करेंगे जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। हम आगे देखते हैं दैट इज़ हीज डॉग और सेकंड है दैट इज़ हर कैट, तो डॉग कहाँ पे ये रहा, तो डॉग वाला जो सेंटेंस है हम डॉग वाले पिक्चर के साथ मैच करेंगे, और जो ये कैट वाला है उसको हम कैट वाले सेंटेंस के साथ हमने जॉइंट किया हुआ है जो आपको दिख रहा है। अब हम आगे देखते हैं तो हमारा जो यूनिट वन का हैप्पी चाइल्ड पोयम थी उसकी वर्कबुक में एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, तो आपको भी जैसे मैंने किया है वैसे ही अपनी नोटबुक में उसको फिनिश करना।